साथियों, विकलांगता के प्रकारों को चार भागों में बांटा गया है, यानी कि चार प्रकार की कैटेगरियाँ बनाई गई है और प्रत्येक कैटेगरी को एक एक प्रतिशत का आरक्षण है। यानी कि कोई भी एक तरह की कैटेगरी है तो उसको 1% का आरक्षण है। जितनी भी वैकेंसी निकली है तो उसका 1% सीटें उस कैटेगरी के लिए रिजर्व रहती है। तो चार कैटेगरियाँ हैं, ये भी आपको बताया कि BL LLB, ठीक है ना, HI, ठीक है ना, और LD और MD, ये चार तरह की कैटेगरियाँ है। इससे पूर्व वाले और उससे पूर्व वाले वीडियो में हमने LD कैटेगरी यानी लोकोमोटिव डिसेबिलिटी के बारे में छोटी मोटी जानकारी ली थी, और आज की इस वीडियो में हम मल्टीपल डिसेबिलिटी के बारे में जानकारी लेंगे। इसकी परिभाषा, कट ऑफ, जितने भी जो भी छोटी छोटी मोटा मोटा जो जानकारी है वो इस वीडियो में हम लेंगे। तो आज का हमारे वीडियो का टाइटल रहेगा मल्टीपल डिसेबिलिटी अर्थात MD, ठीक है ना। विकलांगता का ये एक तरह का प्रकार है, ठीक है ना। आपको बता दूँ, सबसे कम अगर रिजर्वेशन के मतलब किसी भी सरकारी नौकरी में सबसे ज़्यादा कम जो कट ऑफ निकलती है, वो सबसे ज़्यादा जो मतलब आरक्षण बराबर है लेकिन सबसे कम कट ऑफ जो निकलती है वो निकलती है इसकी। इसका क्या कारण है हम इसकी जानकारी भी इस वीडियो में लेंगे, यानी सबसे कम कट ऑफ क्यों जाती है इसकी, किसकी, MD कैटेगरी की अर्थात मल्टीपल डिसेबिलिटी की। तो संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में हम लेंगे, तो वीडियो के साथ आप बने रहें, ध्यान से समझिए क्या है। तो समझने से क्या होगा, हालांकि आपको पता होगा लेकिन इसे समझने से हमारी विकलांगता की दृष्टि तत्व जो पूरी ढांचा है वो हम अच्छा तरह से समझ सके और अपने अधिकारों के भी मतलब ले सके। अगर आप में इस कैटेगरी में आप आते हो और आपके साथ कुछ अलग हो रहा है तो आप अपना अधिकार देख सकते हो, ठीक है ना। तो वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, शेयर करना बिल्कुल ना भूले। व्यूज़ कम वजह से हम अच्छे वीडियो और लाने की कोशिश करेंगे, अगर आप अच्छे वीडियोज हमें मतलब व्यूज़ हमें लाओगे इस वीडियो पर, तो ठीक है ना। तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना बिल्कुल ना भूले। तो बढ़ते हैं हम साथियों, चार तरह की विकलांगता के प्रकार होते हैं, यानी चार तरह विकलांग जितने भी प्रकार हों उनको चार तरह की कैटेगरियों में बांटा गया है। एक में वापस चार पांच के बराबर बांटा गया है, ठीक है ना। अगर किसी की अंगुली कटी हुई है, यदि किसी का पांव टेढ़ा है, लंगड़ापन है, कोई क्रैक है, ठीक है ना, तो उसके लिए अलग कैटेगरी नहीं बनाई गई है, उसके लिए उसी कैटेगरी में रखा जाएगा जैसे LD है, ठीक है ना। तो जितने भी पाँव से रिलेटेड केस होते हैं वो LD कैटेगरी में आते हैं, ठीक है ना। जितने भी आंखों से रिलेटेड है, चाहे वो अंधा हो, तिरछापन हो, उसमें कोई रोशनी अलग तरह की हो, ठीक है ना, तो वो मतलब BL और LV कैटेगरी जो बनाई गई है उसमें आएगा, ठीक है ना। ये बात भी आपको समझ में आ गई। अगर कानों से कोई भी रोग है, चाहे वो सुन सके, नहीं सुन सके, थोड़ा बहुत भी सुन सके, ठीक ना, अगर उसका कान टेढ़ापन है, थोड़ा सा बेरापन है उस कान में, तो उसे HI की कैटेगरी में रखा जाएगा। तो अपने अपने में मामले हैं। इस कैटेगरी में हम बात करेंगे MD की। उससे पहले एक और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और दे देता हूँ कि 4% कैटेगरी है, वो 4% मतलब आरक्षण है, और एक कैटेगरी को 1% का आरक्षण है। चार प्रकार की होती है BL, यानी इसमें अंधे मतलब आँखों से रिलेटेड BL और LV, ठीक है ना, जो भाई बहन है वो आते हैं इस कैटेगरी में, फर्स्ट वाली कैटेगरी। एक और एक कैटेगरी बनाई गई है HI, हेयरिंग इम्पायरमेंट, ये जिनको सुनने में प्रॉब्लम है, ठीक है ना। और एक होती है LD, जिसमें सबसे ज़्यादा कैंडिडेट होते हैं LD, लोकोमोटर डिसेबिलिटी। उसकी बात कर ले तो इस वीडियो में हमें चौथी कैटेगरी जो बताई बनाई गई है MD, ठीक है ना। तो MD का मतलब होता है मल्टीपल डिसेबिलिटी। मल्टीपल डिसेबिलिटी अगर हम हिंदी में बात करें तो इसका मतलब होता है बहुविकलांगता। क्या होता है मैं आपको बाद में बता देता हूँ, थोड़ा सा स्नैच करके। अगर इसको हम हिंदी में जाने तो इसका मतलब होता है बहुविकलांगता, ठीक है ना। अर्थात इसको अगर हम और इजी भाषा में मतलब जाने तो इसका मतलब होता है, बहुविकलांगता का मतलब एक से ज़्यादा विकलांगता जिस शरीर में होती है तो उसे मल्टीपल डिसेबिलिटी की श्रेणी में रखा जाता है। यह बात भी आपको समझ में आ गई होगी, कैसे इसको अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें आप, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें कि ये चार प्रकार की कैटेगरी है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है ना, यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। BL और LV एक तरह की कैटेगरी है विकलांगता की, जिसमें अंधापन, ठीक है ना, मतलब आँखों से रिलेटेड लोग आते हैं। एक होती है HI, हेयरिंग इम्पायरमेंट, जिनको कानों से प्रॉब्लम होती है। एक होती है LD, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, जो चल नहीं सकते। ये तीन कैटेगरी है, ठीक है ना। चौथी कैटेगरी क्या कैसे बनती है, MD कैटेगरी में कौन आता है, एक मिनट थोड़ा ना, हाँ
इसमें आता कौन है? ये तीन तरह की कैटेगरिया वर्तमान में है, ठीक है ना। चार है, एमडी की हम बात करें इसलिए मैं तीन मान रहा हूँ। जो भी व्यक्ति, जो भी भाई, जो भी बहन, जो भी लोग, इन तीनों में कैटेगरी में से किसी दो कैटेगरीज में शामिल होता है, यानी कि कोई भी व्यक्ति, भाई बहन, लड़का लड़की, इंसान, इन तीनों में से किसी दो का शिकार होता है एक साथ। देखिए, दो का साथ, अब जरूर थोड़ी है कि कोई एक ही इस शरीर में रोग होगा या कोई इससे होगा या कोई सुन नहीं सकेगा, जरूर थोड़ी। ऐसे भी व्यक्ति होती है जिनमें एक से ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, उनको आँखों से भी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और सुनने में भी प्रॉब्लम होती है। दो तरह की विकलांगता है, किसी को सुनने में भी प्रॉब्लम होती है और किसी को चलने में भी एक साथ प्रॉब्लम होती है, ये दोनों कैटेगरी, ठीक है ना। किसी को चलने के साथ साथ दिखने में भी प्रॉब्लम होती है, किसी को दिखने के साथ सुनने में भी प्रॉब्लम होती है, किसी को सुनने के साथ चलने में और किसी को सुनने के साथ देखने में, यानी कुल मिला के जो आदमी इनमें से किसी भी दो कैटेगरी में आता है, दो रोग किसी के होते हैं तो उससे के लिए अलग से कैटेगरी, वो अलग से कैटेगरी बनाई दी जाती है, जिसे हम कहते हैं एमडी, मल्टीपल डिसेबिलिटी। यदि आप एलडी कैटेगरी में तो है, चल नहीं सकते, आप इसके साथ साथ आप एचआई में भी आते हैं, ठीक है ना, मतलब सुनने में प्रॉब्लम है, या आपको दिखाई भी कम देता है और सुनने भी कम देता है, तो उसके लिए अलग से एक कैटेगरी में उसके लिए शामिल कर दीजिए कि कर दिया जाता है, तो उसको कहते हैं एमडी। यानी उसके लिए कौन सी कैटेगरी बनाई गई है? उसके लिए एमडी कैटेगरी बनाई गई है। यानी जो उन तीन कैटेगरियों में आएगा, यानी उन तीनों में से किसी दो का रोग होगा उसमें, एलडी, एमडी, एलडी या एचआई, एचआई या बीएल, ऐसे कोई भी दो रोग होंगे किसी के भी शरीर में, तो उसे एमडी कैटेगरी में शामिल कर दिया जाएगा, ठीक है ना। अब बात आती है कि सबसे कम इसकी कट ऑफ जाती है वर्तमान में, जैसे हम बात करते हैं रीट की, तो 66 नंबर इसके, मतलब 66 नंबर 150 में से 66 नंबर इसकी मेरिट रुकी थी, यानी 66 नंबर पर उसका सिलेक्शन हो गया था अगर कोई एमडी में था तो। इसका ऐसा क्यों है? देखिए, बहुत कम लोग होते हैं ऐसे जो किसी दो विकलांगता से ग्रसित होते हैं, पहले बात तो ये हो गई। अब होते तो है, थोड़े बहुत भी होते हैं, लेकिन होते हैं, ऐसे जरूर थोड़ी नहीं होते, किसी के एक से ज़्यादा प्रॉब्लम होती है लेकिन वो वापस पढ़ते नहीं है। अब जिनके दो तरह की विकलांगता है फिर भी वो पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, तो इसकी वजह से कैंडिडेट कम हो जाते हैं, बहुत कैंडिडेट शून्य के बराबर होते हैं। आरक्षण इनको भी 1% है, 1% एमडी को आरक्षण दिया जाता है, 1% एलडी को, 1% एचआई को और 1% बीएल और एलवी को, ठीक है ना। तो इसी तरह इनको भी रिजर्व रहती है 1% सीटें, हिस्सा बराबर है, कैंडिडेट कम है, इसीलिए सबसे ज़्यादा कैंडिडेट इनके कम है, और अगर होंगे भी तो वो पढ़ने वालों में नहीं है वापस, यानी कोई किसी कारणवश पढ़ नहीं सकते, क्योंकि दो तरह की प्रॉब्लम रहती है तो फिर वो पढ़ने में असक्षम रहते हैं, टीचिंग करने में, मतलब टीच करने में, पढ़ने में, रीडिंग करने में असक्षम रहते हैं। इसी वजह से अगर कोई पढ़ भी जाता है तो इसीलिए उनकी कट ऑफ सबसे कम रहती है, इसलिए बहुत कम मेरिट इसकी इसी वजह रहती है कि कैंडिडेट कम है, आरक्षण बराबर है, कैंडिडेट बहुत कम मिलते हैं और होंगे तो भी पढ़ने वालों में कम है, ठीक है ना, तो इसकी वजह से इसके आरक्षण कम जाते हैं। तो ये थी एमडी कैटेगरी, जिसमें एक से दो प्रकार के, मतलब लोग अगर विकलांगता होती है, एक से ज़्यादा विकलांगता होती है, कोई पैरों से तो है, ठीक है, कैटेगरी एलडी, उसके साथ साथ वो आँखों से भी है, एचआई भी है साथ में, सॉरी बीएल भी है, या कोई आँखों से भी है और कान से भी है, कान से भी है, पैरों से भी है, ऐसे कोई भी दो विकलांगता अगर किसी के शरीर में होती है, आप कहोगे मैं तो दोनों पैरों से विकलांग हूँ तो क्या मैं एमडी में आऊँगा? जी नहीं, आप एमडी में नहीं आएंगे। आप बोलोगे मैं हाथों से भी दिव्यांग हूँ और पैरों से भी हूँ, क्या मैं एमडी कैटेगरी में आऊँगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। कहने का मतलब, जो कैटेगरी बनाई गई है, चार कैटेगरी, उनमें से अगर तीन कैटेगरियों में से अगर दो आपके मिक्स है आपके शरीर में, ठीक है ना, जैसे आँखों से और कानों से, ठीक है ना, आँखों से या पैरों से, पैरों से या कानों से, पैरों से या आँखों से, ऐसे कोई भी, तो आप मल्टीपल डिसेबिलिटी में आएंगे। अगर आप में से कोई भी वीडियो देख रहा हो और एमडी कैटेगरी में है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ठीक है ना, और लिखने का मतलब कोई गलत इरादा नहीं है हमारा, केवल लिखे कि हाँ मैं मल्टीपल डिसेबिलिटी में आता हूँ, ठीक है ना। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आगे जो दो कैटेगरी और बची है, एचआई और बीएल और एलवी, उसकी भी हम कुछ बात करेंगे, ठीक है ना। तो ये भी बता दिया हमने कि इसमें कौन लोग आते हैं, ठीक है ना।